कर साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड दो बिग न्यूज हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हां साथियों, 8 अगस्त की 2020 की न्यूज है। लेटेस्ट मैं बता दूं आपको, एक तो वो लोग हैं जो कुवैत में इनलीगल रह रहे हैं, सरकार ने बोलने के बावजूद वो अपने अपनी कंट्री नहीं गए, चाहे वो इंडियन, पाकिस्तान, नेपाली, बंगाली कोई भी हो। दूसरा वो हैं जिन्होंने वीज़ा खरीद के कुवैत गए थे या कुवैत से छुट्टी आए हुए हैं। जी हाँ, वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे, दोनों ही अपडेट बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ के साथ हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो भाई देखिए, पहले मैं बता दूं कि आज से 2-3 महीने पहले आप बड़े खुश थे कि भाई कुवैत सरकार वीज़ा जो इलीगल हैं, खली बल्ली हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको पैसा दे के आउट पास लगा के टिकट दे के घर भेज रही है। उसमें अच्छी बात है, 15-16 हज़ार लोगों के करीब लोग आए, फिर भी कुछ ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले थे वो नहीं आए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट घर भेजा जा रहा था, फिर भी नहीं आए। या उनकी मजबूरी होगी कि वो नहीं आए, उनके लिए अब सख्त हो गई है कुवैत सरकार, उनको अरेस्ट करके जेल में डालेगी, फिर ब्लैकलिस्ट करके अपने देश भेजेगी। ये न्यूज़ 8 अगस्त 2020 की है, गौर से सुन लीजिए भाई। सेकंड मैं बता दूं कि एक पेटा एक्ट आया था मजदूरों के आपके बारे में, कि कुवैत में सरकार जनसंख्या कम करना चाह रही है, कि जनसंख्या कुवैत की है मान लीजिए 10 लाख है, औरों की हो रही है बहुत ज़्यादा है 35-45 लाख टोटल, मतलब 75% दूसरे नागरिक हैं, 25% लोकल, मतलब ऐसा कुछ था, एक आंकड़ा था उसको। तो अभी तक वो बिल तो पेंडिंग पड़ा है, लेकिन उसी का एक पार्ट दूसरा निकाल लिया सरकार ने। भाई देखिए, सरकार जब चाहेगी ना सब कुछ कर सकती है। अब वो इनडायरेक्टली बैन तो नहीं कर सकती आपको, क्योंकि ये संधि होती है और संधि को तोड़ा नहीं जा सकता, उसको कानून के तहत ही उसका समाधान होता है। तो अभी सरकार ने क्या किया मैं बता दूं, लगभग 450 कंपनी और प्लस 300 कंपनी, जी हां साथियों, कंपनियों की जांच बिठा दी। अब जांच का मतलब समझते हैं, 550 के करीब लोगों को इस कंपनी में लगाया गया है, कि कंपनियों में लगाया गया कि इनकी जांच की जाए। अब कंपनियां कौन सी हैं, सिर्फ कागजों में, हकीकत में कोई लेना देना नहीं है, कागजों में कंपनी बना के मैंने कंपनी बना ली कुवैत में, मैंने मेरा कोटा कर लिया, मैंने 50 लोगों का, 100 लोगों का, वो वीज़ा मैंने आपको बेच दिया, किसी दूसरे को बेच दिया 1500 दिनार में, 1000 दिनार में, 800 दिनार में, आपको सबको पता है। और वो लोग, हम उन वीज़ा को क्या बोलते हैं, आज़ाद वीज़ा। और वो फिर वहाँ के एजेंट अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, किसी को भी XYZ वीज़ा भेज के मंगा लेते हैं कुवैत में। पिछले बता दूँ 18-19 में लगभग 30,000 ऐसे लोगों को बुलाया गया जो कंपनी नहीं थी। जी हाँ, गौर से सुनने की बात है, कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं था, सिर्फ वीज़ा बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए कंपनियां बनाई गई थी। बता दूं, लगभग 450-450 कंपनियों की जांच हो चुकी है जो फर्जी पाई गई हैं, और उन कंपनियों ने 1 लाख वीज़ा बेचे हैं। जी हाँ, वो वीज़ा पूरे के पूरे ब्लैकलिस्ट होंगे, बंद होंगे। आप अगर छुट्टी आ गए तो वापस नहीं जा सकते, अगर वहाँ पे हैं तो भैया, अब गवर्नमेंट क्या उसका सोल्यूशन देगी ये नहीं बताया, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको अपनी अपनी कंट्रीज भेजेगी। ये 8 अगस्त की न्यूज़ है मैं बता दूँ, आपके पास अगर नहीं है तो भाई आप अपने स्तर पर पता कर लीजिए, तो आपके लिए बड़ा लॉस होने वाला है। वीज़ा से रिलेटेड जो वीज़ा खरीद के वहाँ पहुँचे थे, कंपनियाँ फर्जी थी। कई बार ऐसा होता ना कि वीज़ा रिन्यू कहाँ से कराएं, कंपनी बंद हो गई, फर्जी कंपनियाँ कितने दिन टकती हैं, वो कागजों में होती है, उनको वीज़ा से मतलब होता है। सरकार ने बताया आंकड़ों के अनुसार कि पिछले साल सरकार ने जो इन कंपनियों के, बता दूं इसमें कि 66 मिलियन कुवैती दिनार इन कंपनियों ने फर्जी तरीके से कमाए, ये कंपनी नहीं थी, ये फर्जी कंपनियां थी जिन्होंने 66 मिलियन, जी हाँ, कुवैती दिनार, इंडियन दिनार की, इंडियन रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कुवैती दिनार इन्होंने फर्जी तरीके से लोगों से वीज़ा बेच के कमाए। ये भी है कि 70,000 घरों में इनको मतलब किराए रेंट पे दिया, 70,000 निवास मकान किराए पे देके 21 मिलियन, जी हाँ, 21 मिलियन कुवैती दिनार उन्होंने किराए के रूप में कमाए हैं। ये सरकार ने जांच बिठा के, कंपनियों की जांच की, तभी आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। तो भाई दोनों न्यूज़ मैंने आपको बता दी, बस ये न्यूज़ थी, आप सोच लें, समझ लें, देख लें, अगर आपका ऐसा कुछ है तो क्या आपका समाधान होता है, क्या सरकार इसमें कुछ रूल चेंज करती है कि भाई इनको कन्वर्ट करें, क्या करें। कंपनियां तो 100% हैं, 400 के करीब को तो बंद ही कर दिया गया, अब बाकी 350 पे अभी जाँच चल रही है, वो फर्जी होंगी, सबको बंद,
कंपनी बंद हो जाएगी तो फिर वीजा रिन्यू कहाँ से करवाओगे, आपको तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसका क्या सलूशन होता है वो अगर मेरे पास कोई न्यूज आई तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वरना आप अपने स्तर पे भाई ट्राई जरूर कर लें। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले लाइक कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।